पास काफ़ी अच्छे से इस मार्केट के अंदर विदाउट एनी फेस लिफ्ट आ रही है, और इसके दो वेरियंट्स हैं, दोनों वेरियंट्स का आज डिस्कस करेंगे, मैनुअल का भी और ऑटोमेटिक का भी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिटेल में बात करेंगे मैनुअल की, तो रिव्यू को शुरू करें। फ्रंट पे हमारे पास हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं, नीचे हमारे पास फॉग लैम्प्स भी मौजूद हैं, और उसके अलावा क्रोम ग्रिल्स मौजूद है इस कार के अंदर। साइड पे हमारे पास अलॉय व्हील्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहे हैं। उसके अलावा बॉडी कलर्ड हमारे पास डोर हैंडल्स और मिरर्स मौजूद हैं। बैक पे बड़ी खूबसूरत किस्म की बैक लाइट मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास ब्रेक लैम्प्स भी मौजूद हैं और शार्क फिन एंटीना भी है। अब अंदर चल के देखते हैं कार में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारे पास ऑटोमेटिक पावर विंडोज़ आ रही है, उसके अलावा ऑटोमेटिक मिरर एडजस्टमेंट भी आ रही है, और उसके अलावा बड़ी खूबसूरत किस्म के हमारे पास डोर्स पे पैनल मौजूद हैं। और ये है इस कार का इंटीरियर, काफ़ी खूबसूरत और कम्पैक्ट लुक दे रहा है। सबसे पहले फ्रंट सीट की बात कर ली जाए तो काफ़ी कम्फर्टेबल है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में कुशनिंग की गई है, और ये क्रोम काफ़ी अच्छी अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं इस कार के अंदर सुजुकी वाले। और नीचे हमारे पास फॉग लाइट्स मौजूद हैं और उसके ऑप्शंस हैं, और ये इस कार का स्पीडोमीटर और आरपीएम का भी गेज दिया गया है साथ में, और ये है हमारे पास एसी, और सामने जो क्लॉक की प्लेसमेंट है मुझे बहुत खूबसूरत लगती है इस कार के अंदर, काफ़ी डिफरेंट है, बाकी कार्स में इस तरह नहीं आती, तो काफ़ी एक क्लासी लुक दे रही है। उसके अलावा हमारे पास जो ऑडियो सिस्टम आ रहा है उसके अंदर नेविगेशन भी मौजूद है, नीचे हमारे पास कप होल्डर्स की भी प्लेस है। उसके अलावा ये एक नॉन स्मोकिंग कार नहीं है, और ये हमारे पास मैनुअल वेरिएंट अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। इसके अलावा हम इसके बाद जो है ऑटोमेटिक की तरफ चलते हैं, और ये डैशबोर्ड है इसका, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है सारे इंटीरियर के अंदर, और एक ही कलर में डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा यहाँ से हम यूएसबी वगैरह की ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर, और ग्लव बॉक्स भी अच्छी अमाउंट में है, हमारे पास साइज़ मौजूद है इसके अंदर। उसके अलावा अगर बात कर लें तो हमारे पास अंदर भी कैबिन लाइट्स मौजूद हैं, और ड्राइवर और पैसेंजर साइड पर हमारे पास मिरर मौजूद नहीं है। अब बैक पे चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। सो सबसे पहले बैक के ऊपर हमारे पास आ रही है पावर विंडोज़ की ऑप्शन, लेग रूम जो है वो कंसीडरेबल है, और ये है इस कार का हेडरूम। दोनों जो बैक सीट्स हैं उसके ऊपर हमारे पास हेडरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। लकीली वैसे सुजुकी की ज़्यादातर कार्स के अंदर ये एक मुझे बड़ी बुरी चीज़ लगती है कि हेडरेस्ट जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके अलावा कंसीडरेबल हेडरूम स्पेस मौजूद है, अगर आप 6 या 6.1 तक भी हैं तो आप इजीली इस कार के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके अलावा इस कार की अगर इंजन की बात कर ली जाए तो ये 1300cc कार है, और काफ़ी पावरफुल इंजन है इस कार के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन उसके कुछ फॉल्ट्स हैं उसका तस्करा आप कर लेते हैं। उसका फॉल्ट यह आ जाता है कि एक तो इस कार की माइलेज इतनी बेहतर नहीं है, मतलब 8 to 10 है सिटी में, एंड इट्स 10 to 12 ऑन द हाईवे, जो कि मैंने अभी इनके डीलर से बात की है तो उन्होंने मुझे ये बात इन्फॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि उनके पर्सनल यूज़ में भी आएगी ये कार। उसके अलावा इस कार का जो टोकन है ना वो हमें तो नहीं है, ऑटोमेटिक वर्जन को। सबसे पहले हमारे पास फ्रंट पे सिमिलर हेडलाइट्स मौजूद हैं, और क्रोम इस पे भी यूज़ की गई है, और सिल्वर कलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे हिसाब से, और सिमिलर है फ्रंट से लुक भी, और फॉग लैंप्स भी मौजूद हैं, और साइड में भी हमारे पास कलर्ड डोर हैंडल्स और साइड मिरर्स आ रहे हैं। नीचे हमारे पास सिमिलर अलॉय व्हील्स भी मौजूद हैं,
और योकोहामा के टायर दिए गए हैं इस कार के अंदर। और बैक पे बात कर लें तो काफ़ी खूबसूरत किस्म की बैक लाइट्स मौजूद हैं। उसके अलावा ABS है इस कार के अंदर और बैक पे हमारे पास ब्रेक लैंप्स भी मौजूद है और शार्क फिन एंटीना भी मौजूद है। अब कार के अंदर चल के देखते हैं कि मेन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है। इंटीरियर की बात कर ली जाए तो सबसे पहले हमारे पास पावर विंडोज़ मौजूद हैं। ये पैनल मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जो ऊपर दिया गया है, इससे कार को कड़ी। और इसके अलावा क्रोम हैंडल्स मौजूद हैं इस कार के अंदर। अब अंदर चल के देखते हैं क्या 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 चीज़ें और हमें मिलने वाली है। तो सिमिलर हमारे पास स्पीडोमीटर मौजूद है जिसके ऊपर RPM की गेज मौजूद है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और जो हमारे शहर के अंदर यूज़ करने के लिए 3 गियर या 2 गियर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोम इस पर भी मौजूद है और फॉग लाइट्स की ऑप्शन भी मौजूद है साइड पर हमारे पास। उसके अलावा अगर हम इंटीरियर की बात कर लें तो सिमिलर है और इसके अंदर भी नेविगेशन वाला जो सिस्टम है, ऑडियो यूनिट, वो मौजूद है। मैन्युअली हम एयर कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं इस कार के अंदर। और जो मेन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो यही है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन आ रही है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, 3 गियर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर बाकी इंटीरियर की बात कर लें तो वो भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर यूज़ किया गया है और कलर की भी डिफरेंस नहीं आ रहा। और ये क्लॉक हमेशा से खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पुरानी टच देता है ये कार को लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा USB वगैरह की हम कंट्रोल्स ग्लव बॉक्स से कर सकते हैं। और जो इस सीट्स हैं इस कार की वो मुझे बड़ी पसंद आई हैं, काफ़ी अच्छी अमाउंट में कुशनिंग की गई है और इसके अंदर भी कैबिनाइट्स मौजूद हैं। और सिमिलर इंटीरियर है, मेन डिफरेंस इनका ट्रांसमिशन के अंदर आ रहा है। और जो प्राइस का डिफरेंस है वो तकरीबन 1 लाख रुपए का है, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता है, लेकिन ऑटोमेटिक वेरिएंट ही लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, काइंडली नोटिफिकेशन बेल दबा लें क्योंकि वीडियोज़ ऑन योर रेगुलर बेसिस। अल्लाह हाफिज़।